कोच राहुल यादव ने आज हाल ही में हुए 10वीं कक्षा के नतीजों में अव्वल आए छात्र और छात्राओं के इनाम से नवाजा। इस मौके पर एडीडीसी मोहम्मद रशीद, सीईओ टूरिज्म तनवीर अहमद, सीईओ एजुकेशन जगजीत सिंह और अव्वल आए बच्चों के माता पिता रहे माजूद। टीएनआई के लिए कुंभ से सनी शर्मा की रिपोर्ट। अब ये सेकंड पोजीशन जो है डिस्ट्रिक्ट में, ये तीन बच्चियों ने की है, एक अभी ये गई, दूसरी सलमा आगा, उनके भी कोर्स में हमने कोर्स ले लिए थे, उनमें पैसे डाल रहे हैं। उसके साथ हमारे पास डीसी साहब ने अपने ऑफिस से, अपने यहाँ से बच्चे जो टॉप लिस्ट में आए, हमारे 15 में 4 बच्चे आ रहे हैं, उनको भी 5,000 के टीम टॉपर वो भी हम यहाँ दे रहे हैं। तो मैं जो बच्चे डिस्ट्रिक्ट में ओवरऑल टॉपर हैं उनके लिए, उनको भी फैसिलिटेट किया जा रहा है। इसके अलावा हमारे जो सरकारी इदारों के बच्चे हैं जिन्होंने उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, उनको भी फैसिलिटेट किया जा रहा है। तो आप सब बच्चों ने 10th क्लास में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आगे भी आपके जो है ब्राइट फ्यूचर के लिए मैं आपको बेस्ट ऑफ द विशेस देता हूँ कि आप आगे भी इसी टाइप से 12th में भी और उसके बाद भी आप जिस भी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहें, चाहे वो मेडिकल हो या फिर इंजीनियरिंग हो या फिर सिविल सर्विसेज हो या फिर लॉ हो, जिस भी फील्ड में आप जाना चाहें उसमें भी आप एक अच्छी तरक्की करें। मेरी तरफ से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आपको इसके लिए भी बहुत बहुत बधाइयाँ। और आज हमारे डिस्ट्रिक्ट कोच में जो हमारे जो 10th के जो रिज़ल्ट आए थे, जो हमारे 10th के रिज़ल्ट आए उसमें जो बच्चों ने और बच्चियों ने अच्छा परफॉर्म किया उनको आज यहाँ पर फैसिलिटेट किया गया, जिसमें हमारे जो टॉपर जो डिस्ट्रिक्ट के जो टॉप 1, 2, 3 जो रहे वो 5 बच्चे रहे, 5ों हमारी गर्ल्स स्टूडेंट थी। एक बहुत अच्छी बात है कि बच्चियों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, उन सबको 10,000 रुपये का जो है जो उनको अवार्ड जो है वो दिया गया डिस्ट्रिक्ट पुंछ की तरफ से फ्रॉम हमारा जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम है उसके तहत। इसी तरीके से हमारे जो सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं, जो जिन्होंने टॉप 10 जो हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे रहे उनको भी यहाँ पर फैसिलिटेट किया गया, जिसमें हमारे जो 6 बच्चियाँ और 4 बच्चे, जिसमें से 6 बच्चियों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत और 4 बच्चों को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उनकी जो है उनको उनकी हौसला अफजाई की गई और उनको सभी को 5,000 रुपये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत और दिए गए। जो बच्चे थे उनको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो है ये इनामात दिए गए और सबके उज्ज्वल भविष्य के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कामना की गई। इसी तरीके से अभी हमारा क्योंकि 12th का रिजल्ट भी आ चुका है तो उसमें भी जो हमारे बच्चों जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया उनको भी जल्द ही फैसिलिटेट किया जाएगा, उसकी भी हम लिस्ट कंपाइल कर रहे हैं। और हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में भले ही दूर दराज का इलाका हो लेकिन उसके बावजूद हमेशा बच्चों में एक लगन रही है। इस बार भी हमारे जेके बॉस में सेकंड रैंक हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ से रही 10th में, जो मुझे पता चला है कि 12th में भी इसी टाइप से हमारे डिस्ट्रिक्ट का एक बच्चे ने बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए सेकंड रैंक जेके बॉस में लाया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे चलकर ये बच्चे इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, लॉ में या फिर सिविल सर्विसेज में इसी तरीके से आगे पढ़ते हुए वहाँ पर भी अच्छा परफॉर्म करेंगे और अपने डिस्ट्रिक्ट पुंछ का, अपने जम्मू एंड कश्मीर का नाम रोशन करेंगे।